करा इन्होंने, टिकट बुक कराई है, लेकिन बावजूद इसके आलम ये है कि कोई भी तालमेल नहीं दे पाया। तमाम सारे सैलानी जो दूर दराज से आए हैं वो काफी निराश है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कत हुई है। मीडिया मीडिया क्या दिक्कत हुई आपको मैं भी बोलना चाहूँ समझना चाहिए बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ ये पुलिस वाले ही बोल रहे हैं कि वो वहाँ पर जाइए टिकट काउंटर पे, और ये रोज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम रोज, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आता काउंटर कितने देर पहले बंद करना चाहिए भाई। 2 घंटे हम पब्लिक समझते हैं कि 2 घंटे पहले अगर क्लोज कर दिया है तो आधी पब्लिक वहाँ से आएगी और आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं समझ सकते हम आदमी क्या क्या सोच रहे नहीं देखा हमने वापस जा रहा था बिल्कुल वापस जा रहे ऑनलाइन टिकट बुक करी पहले कि भाई यहाँ सर कम से कम टिकट बच्चों को देखो छोटे छोटे बच्चों को सर या तो रिफंड कर रहे हैं रिफंड भी नहीं कर रहे हैं कम से कम अम्बाला से आए हैं सर हम दोपहर के आए छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और कम से कम टिकट रिफंड करो ये कह रहे हैं कि कल आ जाना कि अम्बाला से कोई कल वापस आएगा देखिए के लिए कल बोल रहे हैं सर बिल्कुल एक मिनट देखो बच्चे रो रहे हैं इसमें 6 बजे का टाइम दे रखा है इन्होंने ना 4:30 बजे 5:30 बजे बंद कर दिया आधे घंटे के लिए गेट बंद कर दिया कौन देख पाया आज की फैमिली बाहर जाएगी सर दिल बहुत छोटा है पैसा लूटना चाहते हैं इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है एक लेडीज और एक बच्चों को बचा रही है ये गवर्नमेंट है एक और गवर्नमेंट 50 लाख जबकि प्रशासन को ये चाहिए था कि इसमें अतिरिक्त फोर्स बुलाता और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखता लेकिन ऐसा प्रशासन ने जान बूझ करके नहीं किया। मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में वो नहीं चाहता किसी भी तरह बढ़ावा मिले पर्यटन को। जिस तरह से पर्यटकों के साथ अव्यवस्थाओं का माहौल उसे देखने को मिला बहुत लोग हैं जो एंट्री करने से रह गए जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा उनके हाथ में टिकट थी ऐसे लोग हैं काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे लाइन में लगे थे उनका नंबर आने के समय ही गेट बंद हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ जो दुश्वारियाँ आई हैं दिक्कतें आई हैं ये सब प्रशासन की कमियाँ हैं और ना ही CISF अंदर बुलाई गई ज़्यादा फोर्स बुलाया जाता जिस तरह से और ASI के जो कर्मचारी हैं उन्हें बढ़ाया जाता इसके अलावा पुलिस को बुलाया जाता लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिली उसी का कारण है जो आज ये हंगामा हो रहा है और पर्यटक जो है परेशान है।